जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहिं ते कहे नहुँ ही दुखारी। एहि बिधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्बचे विश्रामा। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाएं तो वे मनुष्य क्यों दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम का गुण समूह करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहि, जेहि बिधि जनक सुता तहरहि। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखि चाहहुँ जानकी माता। फिर विभीषण ने सब कथा कही, जिस प्रकार जानकी जी वहां रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले हूँ हनुमंत, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गय हूँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता जहाँ रहवा। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी, तो हनुमान जी विदा मांग कर चले। वहां लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती हैं। देखि मनहु महु कीन्ह प्रणामा, बैठहि बीत जात निस जामा। कृष तनु शीश जटा एक बेनी, चपत हृदय रघुपति गुण श्रेनी। देख कर मन ही मन में प्रणाम किए, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई, सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, शीश सिर के केशों की जटा सी हो गई है, और राम राम जप रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, कबहुँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, कबहुँ सुदशरथ अजिर बिहारी।